श्वेता के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम शख्सियत, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने कार्य से, अपने कार्य क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नवनीत सहगल जी से। आज हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी। सीधे ही आज हम उनसे जानेंगे कि आज तक का उनका सफर कैसा रहा। तो आइए बात करते हैं संयुक्ता भाटिया जी से। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और एक अवसर प्राप्त हुआ मुझे आपके साथ बातचीत करने का, इसके लिए बहुत बहुत मैम, बहुत अच्छी बात है। आज हम आपके सफर के बारे में जानेंगे कि किस तरह आज तक का आपका सफर किस तरह रहा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि आपके घर के बारे में, कि आपके घर, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो क्या, फैमिली बैकग्राउंड में कौन कौन थे आपके यहाँ? मेरा ज्वाइंट फैमिली में मैं रही और मेरा जन्म जब हुआ, मेरा पूरा जीवन संघर्ष चल रहा है और वही संघर्षता का कारण है कि आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे भी पूरी तरह से संघर्षरत हूँ और पूरी तरह से कार्य करने में सफल हुई हूँ। तो एक संघर्षशील जीवन रहा, क्योंकि जब मेरा जन्म जब हुआ उस समय मेरी जब माता जी की डिलीवरी होने वाली थी और हमारे मेरे नाना जी सिविल सर्जन थे, तो वो उनके पास गई हुई थी डिलीवरी के लिए और पीछे से पार्टीशन हो गया था। और पार्टीशन होने के बाद उस समय इतने संसाधन नहीं थे, फ़ोन नहीं होते थे, तो मेरी माता जी और मैं अपने नाना जी के घर पर थे और मेरे पिताजी कैंप में, हमारा पूरा परिवार, मेरी दादी जी, दादा जी, चाचा चाची, सभी लोग तो हमारे सब लोग वहाँ पर अलग रहे। चार साल बाद मैं अपने पिताजी से मिली, तो मेरा जीवन की शुरुआत ही संघर्षता से हुई। और उसके बाद जब स्कूल का समय आया तो स्कूल में भी मैं पढ़ने में ठीक ठाक रही और मेरी स्कूल का जीवन मेरा बहुत अच्छा रहा। मुझे एक टीचर जो है वो बहुत प्यार करती थी, मेरी स्वच्छता का मुझे विशेष ध्यान रहता था बचपन में भी, और मैं जब सफाई से काम करती थी और हर चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से करती थी तो वह बहुत प्रसन्न होती थी। और उन्होंने मुझे क्लास का मॉनिटर बना दिया था और मॉनिटर बनाने के बाद सारी जिम्मेदारियाँ उन्होंने मुझ पर छोड़ी, और क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझे कार्य करने की एक प्रेरणा देती थी, इसलिए मैं उस कार्य को बखूबी करती रही। और उनके प्यार में मुझे, मेरा नाम मेरे माता जी ने संयोगिता रखा था मेरे परिवार ने, लेकिन उन्होंने जब मेरे कार्य को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम सबको जोड़ने का कार्य करती हो और संयोगिता का कोई अर्थ नहीं है, संयुक्ता तुम्हारा नाम होना चाहिए। तो उन्होंने मेरे नाम का परिवर्तन उस समय किया, जो मैंने अपने परिवार में बताया, उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया और इस तरह से मेरा नाम उन्होंने वहाँ पर परिवर्तित किया। और संयुक्ता नाम रखने से उन्होंने कहा कि संयुक्ता का अर्थ होता है सबको जोड़कर रखना, संयुक्त करके रखना, तो उसी नाम के अनुरूप में इस समय सबको जोड़कर रखने का कार्य, जो मेरा स्वभाव था, उसको करती चली आई। और उसके बाद जब मेरा विवाह हुआ तो विवाह के बाद इमरजेंसी लग गई। उस समय इमरजेंसी के कारण मेरे पति बहुत सक्रिय रहते थे, संघ परिवार से मेरा शुरू से नाता था, मेरे पिताजी भी संघ परिवार से जुड़े थे और संघ परिवार में ही मेरी शादी हुई। और जब शादी हुई तो उसी समय इमरजेंसी, उसके दो कुछ दिन बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उस समय इमरजेंसी लग गई और मेरे पति क्योंकि सक्रिय रहते थे समाज के कार्यों में, इसलिए उनको जेल जाना पड़ा और वहाँ भी मुझे संघर्ष करना पड़ा। अपने छोटे बच्चों के साथ संघर्षरत रहकर मैंने कार्य किया, लेकिन मैंने हिम्मत कहीं नहीं हारी। ये मेरा जीवन का एक वो रहा, और कभी हिम्मत नहीं हारी और जैसे जैसे चुनौतियाँ मेरे सामने आई मैंने उसको संघर्ष स्वीकार किया। उसके बाद मुझे सोशल वर्क का और स्वच्छता का मुझे विशेष ध्यान रहता था, स्वच्छता की मेरी स्वयं से शुरू से आदत थी और मुझे सोशल वर्क करने का बहुत शौक था। तो मैं बचपन से ही लोगों की मदद करना, जिसके कारण वो टीचर मुझे बहुत पसंद करती थी, और धीरे धीरे करके वो शौक मुझे बिना बैनर के काम करने के लिए, मैं बिना बैनर के काम करती थी कि अपनी सहेलियों से कहना कि चलो मिलके हम लोग यहाँ सफाई कर दें, चलो मिलकर यहाँ हम लोग कपड़े बांटे आए,
तो इस तरह के कार्य करते करते जब मैं लायंस क्लब के साथ जुड़ गई और फिर लायंस क्लब वही काम मैं लायंस क्लब के बैनर पे करती रही, और इसी तरह सामाजिक जीवन से जुड़ते जुड़ते मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गई और सक्रियता से पूरा कार्य मैं वहाँ पर करती रही। उस कार्य को करने में जहाँ जो जो पद मुझे मिला मैंने सभी पदों का बहुत अच्छे से निर्वहन किया और जो सारे कार्यों को ठीक किया। यहाँ तक कि मैं नगर की एक घटना बताती हूँ कि नगर में अध्यक्ष थी और उस समय अध्यक्ष नगर अध्यक्ष का क्योंकि उस समय महिलाओं का बहुत कम जुड़ाव रहता था और महिलाएं बहुत कम होती थी तो और महिलाओं का आपस में तालमेल भी नहीं बैठ पा रहा था। तो ऐसे समय में कहा गया कि अगर नगर अध्यक्ष रहने के बाद मैंने बहुत अच्छे से कार्य किया और सबको जोड़ने का काम किया, उसके बाद जब मैं नगर से प्रदेश में चली गई, प्रदेश के स्तर पर मैं काम कर रही थी, उस समय ये हुआ कि लखनऊ नगर में इस समय नगर को संभालने वाला कोई नहीं है तो किसी ऐसी महिला को बनाया जाए जो सबको जोड़ ले। तो फिर मुझे प्रदेश में रहते हुए नगर का काम फिर मैंने दोबारा उसको किया और बखूबी उसे निभाया मेरी सक्रियता, और इसके कारण मुझे आगे पद मिलते गए और उस पर मैं कार्य करती रही। मैंने राष्ट्रीय स्तर तक के अपने पदों का निर्वहन किया, कार्य करती रही। उसके बाद फिर टिकट का मेरे पति को चुनाव लड़ने की बात आई क्योंकि महिलाएं उस समय कम निकलती थी घरों से और मैं पहली महिला थी जो सबको जोड़कर टोली बनाकर निकला करती थी, तो और मेरी सक्रियता को और कार्य को देखते हुए पार्टी ने मुझे टिकट देने का विचार किया, MLA का टिकट मुझे देने का विचार किया, लेकिन मेरे ससुराल में मायके में कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं क्योंकि उस समय बहुत अच्छा नहीं समझा जाता था महिलाओं को राजनीति में आना। और फिर मेरा परिवार लोगों मेरे मन में भी ये चिंता थी कि पहले परिवार होना चाहिए बाद में राजनीति होनी चाहिए, और मेरी राजनीति का कोई ऐसा विशेष वो नहीं था, खाली मुझे सेवा करने का एक शौक था। लेकिन जब टिकट मिला तो मुझे लगा कि मेरा परिवार बिखर जाएगा और मैंने टिकट के लिए मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो हमारे यहाँ उस समय चीफ मिनिस्टर जो पद रह चुके हैं वो हमारे साथ थे उस समय, उन्होंने हमसे कहा कि मैं वापस करने बोलने के लिए गई कि मुझे नहीं लड़ना है चुनाव, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं लड़ना चाहती हो। मैंने कहा मेरे पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं और मेरा परिवार बिखर जाएगा, मैं नहीं चाहती कि मैं राजनीति में जाऊं और मेरे बच्चों की देखभाल ठीक से ना हो, तो मेरी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी नहीं और मेरे ससुराल में भी कोई तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये गलती कर रही हो तुम, अगर तुम नहीं लड़ना चाहती हो तो तुम्हें अपने पति को लड़ा देना चाहिए। तो मैंने कहा मैं लड़ूंगी लेकिन मैं जिस समय अपने सारे दायित्वों का निर्वहन कर लूँगी, अपने बच्चों की शादियाँ कर दूँगी, बच्चों को सेट कर दूँगी, उसके बाद मैं चुनाव लड़ूंगी। तो उन्होंने वो बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने हमसे कहा कि इस समय परिस्थितियाँ तुम ऐसी हैं कि तुम्हारे घर आके तुमको टिकट दिया जा रहा है, लेकिन जब तुम चुनाव लड़ना चाहोगी तो पता नहीं परिस्थितियाँ तुम्हारे पक्ष में होंगी या नहीं होंगी, इसलिए तुम्हें चुनाव लड़ना चाहिए और काम इतना अच्छे से काम करती हो, काम करते रहना चाहिए, तो तुम ऐसा करो खुद नहीं लड़ना चाहती हो तो अपने पति को लड़वा दो। और फिर उनके प्रयास से, कल्याण सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उनके प्रयासों से कल्याण सिंह जी के अध्यक्ष थे उस समय, उनके प्रयास से फिर मेरा टिकट कैंसिल करके मेरे पति को टिकट मिला। और जब उनको टिकट मिला तो मैंने पूरी सक्रियता के साथ सहभागिता निभाते हुए पूरा कार्य किया। उस समय महिलाएं निकलती नहीं थी, मैं महिलाओं की टोली बनाकर घर घर जाना और कन्विंस करना, आज तो सभी टोलियाँ महिलाएं निकलती हैं लेकिन उस समय वो पहली बार मैंने टोली बनाई थी, महिलाओं के साथ मैं निकलती थी और पूरी तरह से डोर टू डोर जाती थी और सारे कार्य को मैं पूरी निर्वहन किया। अच्छा मैम, ये आप जैसे आपने पॉलिटिकल चुना है तो ये शुरुआत से जैसे आपने बताया कि आप पढ़ाई में बड़ी अच्छी थी और हमेशा शुरू से ही रहा कि आपको एक लीडरशिप आपको मॉनिटर बनाया गया, तो ये लीडरशिप क्वालिटी आपकी तभी से स्टार्ट हुई? तभी से स्टार्ट हुई, और क्योंकि मुझे सबको जोड़कर रखने का और एक सामाजिक कार्य करने का शौक था जिसके कारण मुझे ये मेरे अंदर ये चीज़ डेवलप हो गई और उसके कारण मुझे आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता रहा। बाकी और क्या रहा मैम आपके, जैसे हम एजुकेशन जो भी है
अगर हम आपके पर्सनल्स पे बात करते हैं तो पर्सनल्स में ये है कि क्या चीज़, मतलब आप पर्सनल पे हम पहले से बात करें या बाद की बात करें, तो क्या चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, एंड कोई एक्टिविटी ऐसी होती होगी जिससे मतलब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, तो क्या चीज़ है आपके जीवन में? मुझे शुरू से एक सफाई का शौक था। जब मेरी माता जी थोड़ी धार्मिक स्वभाव की थी और वो हर हफ्ते में एक दिन हमारे घर पे कीर्तन हुआ करता था, सारी महिलाएं हमारे यहाँ आती थी और जब कीर्तन होता था तो मैं स्कूल से, वो समय ऐसा होता था कि जब कीर्तन हो रहा होता तो मैं स्कूल से उसी समय लौटती थी, और जब मैं वापस आती थी तो बाहर जो चप्पलें रखी रहती थी उन चप्पलों को सीधे खाना, बिना खाना खाए, अपनी बिना यूनिफॉर्म चेंज किए मैं चप्पलों को लाइन से लगाती थी। उसके बाद मैं, मतलब शुरू से मेरा स्वभाव था हर चीज़ को व्यवस्थित रखना, साफ़ सफाई से रखना, और उसको व्यवस्थित करके साफ सफाई से रखने के कारण ही वो मेरा स्वच्छता का स्वभाव ही बन गया था। और मुझे आज, और सेवा का कार्य करना मुझे शुरू से अच्छा लगता है। जैसा आपने अभी पूछा ना कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, तो मुझे ये चीज़ सेवा का कार्य करना शुरू से अच्छा लगता है। मैं जिस समय बाढ़ आती थी और लोगों के मोहल्ले से लोगों के कपड़े इकट्ठे करके, जो नहीं पहनते हैं लोग इस तरह के कपड़े होते थे, वो लेकर किराए पर ट्रक लेकर किसी बैनर के बिना अपनी सहेलियों को इकट्ठा करना और किसी बड़े को अपने साथ जोड़ लेना ताकि घर के लोग परमिशन दे दें बाहर जाने की, तो ट्रक पर जाकर कपड़े बांट आना, इस तरह से काम शुरू से करती रही हूँ। तो मुझे एक सोशल वर्क करने का शौक शुरू से रहा है और वो मुझे आज भी अच्छा लगता है। मुझे राजनीति से ज़्यादा सोशल वर्क ही अच्छा लगता है। अच्छा संयुक्ता जी, ये था कि आपकी एक्टिविटीज़, जैसे आपने भी साफ़ सफाई के लिए बताया, सोशल वर्किंग के लिए बताया, उसके अलावा भी कोई एक्टिविटीज़ थी आपके स्कूल टाइम पे जो आपकी खासा इंटरेस्ट रहा हो, जैसे सिंगिंग, डांसिंग या ऐसी कुछ और कल्चरल एक्टिविटीज़ में मैं हमेशा भाग लेती थी और मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था। विशेष रूप से भांगड़ा में बहुत, जब भी हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता था तो उसमें एक भांगड़े का ज़रूर रहता था और मुझे हमेशा उसमें लीड करने का अवसर प्राप्त होता था और मैं करती थी और छोटे मोटे रोल्स भी कर लिया करती थी। लेकिन जब से राजनीति में आई ये सब चीज़ें छूट गई, लेकिन वो उस समय का वो शौक था और आज भी कहीं ना कहीं अंदर है वो। अच्छा संयुक्ता जी, आपने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की हैं और आप जानते हैं एक फीमेल के लिए किसी भी जगह अपनी स्पेस बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो आपने क्या क्या चीज़, ऐसे कई फेस आपने, दौर आपने ऐसे फेस किए होंगे जो बहुत दिक्कत रहे होंगे, तो वो दौर कौन सा रहा आपका सबसे ज़्यादा मुश्किल, जो मतलब आपको सफ़र करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और उसमें बड़ी बखूबी से आपने उसे पार पाया? जब मुझे मेरे पति को जब चुनाव लड़े, तो मैंने आपसे बताया था कि जब वो चुनाव लड़े मैंने पूरा उनका सहयोग किया, पूरी तरह से उनके साथ लगी और पूरा कार्य मैं करती थी, उनके ना रहने पर पूरा संभालती भी थी। इसी बीच मेरे पति को 3 बार चुनाव लड़े, उसके बाद उनको कैंसर हो गया था और वो हमारे लिए, वो भी एक मेरा संघर्ष का दौर था। और उस संघर्ष के दौर में हमें बॉम्बे जाना पड़ा, वहाँ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का हमारे परिवार से बहुत संबंध था, वो हमारे परिवार में उनका आना जाना था और वो बराबर लखनऊ में 1-2 बार स्वयं भी आए और उनके पिए थे सुकुमार जी, उनको वो बराबर भेजते थे हमारे उनका पता लगाने के लिए, और मैं वहाँ पर रहकर मैंने पूरी तरह से उनकी सेवा किया। सेवा करने के बाद भी यहाँ आने पर ठीक होने के, कैंसर भी ठीक हो गया था उनका, और उसके बाद फिर उनको हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। तो वो लिए मेरे लिए बड़ा कठिन दौर था। छोटे समय मेरे बच्चों की, एक बेटी की शादी, 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी लेकिन बेटे की अभी शादी नहीं हुई थी, और उस दौर से भी मैं गुजरी हूँ। और फिर उसके बाद मुझे जब महिला होने के नाते से आरक्षण हुआ और महिला के, क्योंकि मेरी सक्रियता को देखते हुए पार्टी ने मुझे महापौर बनाने का निर्णय किया, तो उस 100 साल तक, अभी तक ये इतिहास रहा है कि 100 साल तक कोई महिला मेयर नहीं बनी थी। और जब मैं मेयर बनने के लिए मेरा नाम चला तो लोगों ने कहा कि क्योंकि ये बहुत नाजुक सी हैं और के सेवा का कार्य करती हैं और ये राजनीति में नहीं आ पाएंगी और फिर इतने एज भी इनकी है तो कैसे इतनी दौड़ भाग करेंगी, नगर निगम में बहुत बड़ा काम है। और पत्रकार मुझसे पूछा करते थे कि आप 100 साल में पहली बार महिला बनने जा रही हैं
और कोई पुरुष लखनऊ को ठीक से नहीं संभाल पाया, आप महिला हो के इतने बड़े शहर को कैसे संभालेंगी? तो मेरा यही एक ही जवाब था कि मैं एक महिला हूँ। महिला वो शक्ति है जिसके पास घर को, वो एक छोटे से घर को भी, चाहे उसकी आय कम हो या ज़्यादा हो, अपने घर को सजा कर संवार कर और सुव्यवस्थित करके रखती है। और मैं भी लखनऊ शहर को मैं अपना घर समझूंगी और सजाकर संवार कर सुसज्जित करके रखूंगी और उसको अपने घर समझकर उसको कार्य करूँ, उस कार्य को मैं करूंगी। तो आज उस समय मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन आज मैंने उस चुनौती को पे अपना उस चुनौती को पूर्ण किया है। और इस लखनऊ को आप देख रहे हैं कि लखनऊ में कितना परिवर्तन आया है, लखनऊ परिवर्तित हुआ है। और वो सारी, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि सारी चीज़ें जो मैं चाहती थी सब हो गई, लेकिन बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ करना बाकी है। और सबसे बड़ी बात कि महिला होने के नाते से जब मैं सदन में पहली बार गई, तो पहले ऐसा होता था कि महिला पार्षदों का पार्षद महिला कोटा तय हो चुका था, आरक्षण हो चुका था उसका, और महिला की सीट अगर होती थी तो उसके पति को टिकट दे दिया, उसके नाम पर टिकट दिया जाता था, लेकिन काम उसके पति करते थे। लेकिन मैंने ऐसा अपने उसमें कभी नहीं किया, मैंने अकेले ही संघर्ष किया। और महिला होने के नाते से अकेले ही मैं पूरे सदन में जब बैठती थी तो मैंने महिलाओं को, जो मेरे साथ महिलाएं आती थी जिनके पति काम करते थे और महिलाएं वो सदन में आकर बैठते थे, मैंने उनको मना कर दिया था कि जो चुनाव लड़कर आया वही सदन में बैठेगा और वही आप अगर वही बोलेगा भी, अपनी समस्या का समाधान भी वही करेगा, अगर वो किसी, मैं उनका पूरा सहयोग करूंगी महिला होने के नाते से, अगर वो नहीं बोल पाती हैं तो वो लिख कर लाएँ और अगर नहीं लिख कर आती तो आप लिख कर दीजिए और वो अपनी बात को पढ़ें, और पढ़ भी नहीं पाएंगी तो मैं किसी से पढ़वाऊँगी या मैं स्वयं पढ़ूँगी, लेकिन सदन में उनको अपनी बात स्वयं रखनी होगी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो महिला कभी सदन में नहीं आती थी उनको बोलने का अवसर जब मैंने दिया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बोला और इतना अच्छा बोला कि उनको खुद विश्वास नहीं था कि वो इतना अच्छा बोलेंगी। और आज सदन में वो महिलाएं मेरे साथ हैं और पूरी तरह से सदन में, बहुत अच्छे तरह से सदन में बैठती हैं, पूरा कार्य करती हैं। और सदन हमारा जिस प्रकार से विधानसभा चलती है, उस जो पहले हो हल्ला हुआ करता था सदन में, और जो सदन में खाली बजट जब पास होता था तो बजट के बारे में किसी को जानकारी ही नहीं होती थी और हो हल्ला मचाकर अपनी बात, अपने जो उनका क्षेत्र होता है उसकी समस्याओं को लेकर उस बात को करके बजट पास करके सदन समाप्त कर दिया जाता था। लेकिन पहली बार हमने सबको पढ़ने का अवसर दिया, सबको बताया कि आपको बजट पास करना है तो क्यों करना है और किस विषय पर क्या है। तो आज सब लोग उसको, इसके कारण वो पढ़ कर आने लगे और उसको समझकर सदन में बोलने लगे पार्षद लोग, और महिलाएं भी बोलने लगीं, और उसके कारण हमारे अधिकारी भी, क्योंकि अधिकारियों को ये था कि बजट पास हो जाएगा हमसे तो कोई कुछ पूछेगा ही नहीं, लेकिन जब वो पढ़कर आएंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर देना पड़ेगा, इसलिए वो भी सतर्क हो गए कि अब हमें कुछ ना कुछ हमसे पूछा जाएगा तो मुझे उसका जवाब देना होगा सदन में। इसलिए हमारा सदन बहुत अच्छे से, वो सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई जो पहले हुआ करती थी, उसमें बहुत अंतर आया। तो एक सदन की मर्यादा धीरे होती है, सदन की मर्यादा में भी धीरे धीरे करके परिवर्तन आया है। और इस वजह से, जैसे जो आपने शुरू किया कि उनके पति आ जाते थे वहाँ पे सदन में काम करने के लिए या कुछ भी बोलने के लिए, तो इसके चलते जैसे आपने, क्योंकि एक नई मुहिम एक तरीके से छेड़ दी कि महिलाएं ही आएंगी जो उससे संबंधित है, जिन्होंने चुनाव जीता है कि वही उसमें बैठेंगी, तो इसके चलते काफी सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया होगा, बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया होगा, और ऑब्जेक्शन के साथ साथ बहुत सारी दिक्कतें भी आपके आई होंगी कि ये ऐसा होता है ना कि जब उनको दिखता है कि हमारे हाथ से कुर्सी जा रही है, जब मेल ऐसे मेंबर देखते हैं तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, तो उस टाइम पे आपने कैसे फेस किया? यही मैं आपसे बता रही हूँ कि वो भी एक संघर्ष का समय था, लेकिन उस आज वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। उनको धीरे धीरे समझाया गया, उनको बताया गया कि आप स्वयं पढ़कर आइए, बताइए इनको, बताइए काम आपके सब होंगे, और सदन के बाहर आप अपनी बात रखिए, और अगर सदन में कहलाना है तो अपनी पत्नी से कहलाइए, क्योंकि उनके नाम पर आपने टिकट लिया है तो उनको भी सक्रिय होना है। महिलाओं को असल में बहुत दबाने की एक पुरुषों की आदत होती है, जो महिला सशक्तिकरण में होने के बावजूद भी बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जिनको, जिनके पति कहते हैं तुम बैठो, हम अपने आप कर लें, हम करेंगे, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है।
एक बात और बताना चाहूँगी कि इधर ही मैंने महिला सदन पहली बार किया। उस महिला सदन में खाली महिलाओं को ही बुलाया गया था, पुरुषों को बुलाया ही नहीं गया था। और उस सदन में आने के बाद महिलाएं, जो महिला कभी नहीं बोलती थी, जो महिला कह रही थी कि मेरे अपनी पड़ोस वाली महिला से कह रही थी कि मेरे तो हाथ पर माइक पकड़ते हुए हाथ कांप रहे हैं, तो मैं कैसे बोलूँगी। तो मैंने सबको समय दिया कि सबको बोलना ज़रूरी है। तो उन्होंने इतना अच्छा बोला और बाद में इतनी खुश थी कि वो कह रही थी कि हर साल हर बार आप महिला दिवस पर आप महिला सदन करिए। तो थोड़ी कोई भी चीज़ जब नई लाई जाती है तो उसमें दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन जब उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, समाज को उसका लाभ मिलता है और उनका भी कोई नुकसान नहीं होता है, तो फिर कार्य बहुत अच्छे से हो जाता है। और इस समय हमारी सदन बहुत सुव्यवस्थित हो गया, पहले जो अव्यवस्था थी वो धीरे धीरे करके ख़त्म हुई और सुव्यवस्थित हो गया। मैम, ये जो आपने महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए क्या प्रॉपर कुछ ऐसा कार्य शुरू किया है कि महिला ऐसे मोटिवेट होती हैं, मतलब इससे मोटिवेट हो के वो आगे करें? महिला सशक्तिकरण वर्ष है और महिलाएं उसमें हमारी सरकार इतनी कोशिशें कर रही है, इतने सब उनको बेनिफिट्स दे रही है, तो हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। महिला होने के नाते महिलाओं को, जो महिलाएं अपनी बात कह नहीं पाती थी, आज महिला महिला से अपनी बात कह सकती है, जो बात वो खुले में नहीं कह सकती थी वो बाद में कह सकती हैं। तो महिला होने के नाते से महिलाओं को भी एक एक संरक्षण प्राप्त होता है और इससे महिलाओं को अपने अंदर एक ऊर्जा प्राप्त होती है और महिलाएं काम करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है और वो आगे बढ़ने का प्रयत्न करती हैं। तो हमें महिला सशक्तिकरण के साथ महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का प्रयास, और मुझे जहाँ अवसर मिलता है मैं महिलाओं के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ और महिलाओं का हमेशा साथ देती हूँ और महिलाओं की समस्याओं के लिए तत्पर रहती हूँ हमेशा। और नगर निगम में आने के बाद एक समस्या और थी, हमारे यहाँ के कर्मचारियों को काम करने की आदत नहीं थी। नगर निगम को लोग समझते थे कि नगर निगम कुछ भी नहीं है, नगर निगम में कार्य करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तनख्वाह लो और चले जाओ, और जनता की कोई बात भी नहीं सुनी जाती थी। तो मैंने नगर निगम में आने के बाद ये इस चीज़ में लोगों के स्वभाव में परिवर्तन किया है। आज नगर निगम की छवि आप सब देख रहे होंगे, कोरोना काल में नगर निगम ने जो कार्य किया है वो मुझे लगता है कि किसी ने नहीं किया होगा। 8,000 पैकेट्स कम्युनिटी किचन के माध्यम से लगातार बटे पिछले कोरोना काल में, अभी भी हमारी कम्युनिटी किचन चल रही हैं। और वहाँ पर उन कर्मचारियों को, जो कर्मचारी कभी काम नहीं करते थे, जिनको खाली ये मतलब तनख्वाह लेनी रहती थी और उसके बाद अपनी इच्छा से काम करते थे, वो कर्मचारी आज उस समय लॉकडाउन के समय जब हर आदमी अपने घर में बैठा है, ऐसे समय में दिन रात वो काम कर रहे हैं। तो नगर निगम की छवि को सुधारने का काम किया और उसके लिए खाली एक मोटिवेशन कि आप करो, अच्छा करो, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपके परिवार की चिंता करूँगी, आपकी चिंता करूँगी, आपके घर की चिंता करूँगी, आप खाली काम की चिंता करिए। तो उस एक छोटा सा मोटिवेशन, बीच में ऐसा समय आया था जब पिछली बार चल रहा था लॉकडाउन, तो ये कर्मचारी थोड़ा सा, इनसे पहले कहा गया था कि 10-15 दिन तक लॉकडाउन है, आप लोग इस तरह से आपको काम करना होगा, तो उन्होंने बात मानकर काम किया। लेकिन जब धीरे धीरे करके लॉकडाउन का समय बढ़ता चला गया तो उनका थोड़ा सा वो हो गया था, मनोबल गिरने लगा था कि हम इतना काम कर रहे हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने अपने समाचार पत्र के माध्यम से सब अपने बड़े जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, उनको तक और सारे समाज में सबको एक अपनी तरफ से एक एक वो दिया था कि हमारे ये जो स्वास्थ्यकर्मी इस समय काम कर रहे हैं, जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी फ्रंट लाइन वॉरियर कहा है, ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप उनका स्वागत करें, सम्मान करें। और लोगों ने अपने, और हमें क्योंकि भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है इसलिए हमारे दरवाजे पे जो कर्मचारी आता है, दो कर्मचारी हमारी गली में कार्य करते हैं या चार करते हैं, तो आप उनको सम्मानित कर दें तो उनका उनको अच्छा लगेगा। और सारे मेरी बात को सारे अधिकारियों ने भी और सारे बड़े लोगों ने भी, जो मंत्रीगण थे उन लोगों ने भी और जनता ने भी उनको सम्मानित किया, और उसका एक उनको इतना मोटिवेशन मिला कि उसके बाद लगातार वो आज तक काम कर रहे हैं। और जब पत्रकारों ने किसी कर्मचारी से पूछा कि आज आपका सम्मान किया जा रहा है, मैंने स्वयं आरती उतारी उनकी,
तो किसी कर्मचारी से उन्होंने पूछा कि आज आपका मेयर साहब ने आरती उतारी, आपको कैसा लग रहा है? तो उनकी आंख में आंसू थे और उनका ये कहना था कि इतना सम्मान हमें आज तक किसी ने नहीं दिया। तो उस सम्मान को पाकर वो इतने खुश थे कि आज उनका वो पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं, और इसके लिए उनको मोटिवेशन हम सबको मिलता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जो उनको उन्होंने फ्रंट वॉरियर का उनको खिताब दिया और उनको उत्साहित करने का हम सब लोगों को मोटिवेट किया। हमारे हम लोगों के माध्यम से उनको उनका स्वागत हुआ, तो उस समय वो मोटिवेट हो रहे हैं और सम्मानित होकर उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ी और वो लगातार कार्य कर रहे हैं इस पर। अच्छा संयुक्त जी, आपने कुछ और भी इनिशिएटिव लिए हैं जब आपने मेयर पद की आपने पद संभाला था, मेयर पद संभाला था, उसके बाद से आपने कई सारे इनिशिएटिव लिए थे। आपने एक ग्रीन एम्बुलेंस शुरू की थी और हेलो डॉक्टर भी जो कोरोना काल में आपने सब शुरू किया था, तो हाँ। ग्रीन एम्बुलेंस किस तरीके से काम करती थी, ग्रीन एम्बुलेंस क्या है? ग्रीन एक हम लोगों ने एम्बुलेंस जो हम एक ऑक्सीजन की जैसे अभी बातचीत चल रही है कि समय कोरोना काल में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने एक वैन चलाई थी जो कोरोना काल में लोगों को ले जाने ले आने का भी काम करेगी अगर हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है। लेकिन ये जो ग्रीन एम्बुलेंस थी, ये पौधे लगाए हम अपने, और इस एम्बुलेंस के माध्यम से हम पौधे भी लगाएं, लोगों को ऑक्सीजन भी दें, और साथ में अगर किसी को आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम हॉस्पिटल तक भी पहुँचाने का कार्य करें, और हेलो डॉक्टर के माध्यम से कि अगर आप कोरोना काल में आप घर से बाहर लॉकडाउन में बाहर नहीं निकल सकते तो फ़ोन पर आप डॉक्टर से अपनी समस्या बताएं और उस समस्या का समाधान आपका फ़ोन पर ही आपको मिल जाएगा और उसकी दवा की जानकारी आपको मिल जाएगी। एक ये भी कार्य किया है, और सबसे बड़ा कार्य जो मैंने अपने उसमें किया, हमारे यहाँ कभी बैलेंस शीट नहीं बनती थी, तो मैंने पहली बार अपने यहाँ नगर निगम में बैलेंस शीट बनवाने का कार्य किया। बहुत जब तक हमारे कार्य का लेखा जोखा नहीं होगा, हमारी पारदर्शिता कैसे आएगी, हमारा हिसाब किताब कैसे होगा? एक छोटी सी हम लोग घर में, क्योंकि गृहिणी हूँ, गृहिणी होने के नाते से एक छोटे से घर में अगर हमारे पास छोटा सा बजट है तो उसको हम लेकर चलते हैं, तो उसकी समस्या व्यवस्थाएँ बनाते हैं। लेकिन इतना बड़ा नगर निगम हुआ, उसमें बैलेंस शीट ठीक से नहीं बनती थी, उस कार्य को करने का एक लाभ उसको बनवाया, और इसको बनाने पर हमारे विपक्ष के जो पार्षद हैं उन्होंने भरे सदन में इसकी बहुत सराहना की। उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ा काम किया है जो पहली बार आपने बैलेंस शीट बनवाई, जो कि 20 सालों से पार्षद हैं और अगेंस्ट अपोजिट पार्टी के हैं, उन्होंने इसकी सराहना की। और उसका एक लाभ हमें ये मिला कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों को हमें वो जो नगर निगम 350 करोड़ की लाइबिलिटी में था, उसको एक अपने बॉन्ड जारी करने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये हमारा उत्तर भारत का पहला राज्य है, पहला शहर है जिसने इसको प्राप्त किया है, और जहाँ कहाँ लाइबिलिटी थी हमारे पर और कहाँ हमने बॉन्ड जारी किया, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धता है। तो क्या इसी के लिए वो अवार्ड मिला था, फॉरेस्ट मूविंग स्टेट अवार्ड? नहीं, ये तो स्वच्छता में हमें मिला। स्वच्छता में भी हमारी रैंकिंग जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय 269 नंबर पर हम थे, 269 नंबर से हम 215 पर आए नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद फिर हमने छलांग लगाई, तीसरे वर्ष हम 12वें नंबर पर, इस समय हम 12वें नंबर पर हैं, और अभी हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण हो चुका है, उसका भी रिजल्ट आने वाले समय में आने वाला है, और मुझे लगता है कि हम और कुछ दो कदम आगे ही बढ़े हैं, और हमें इसका, और वो यूपी को हमें मिला था फर्स्ट मेडिकल का अवार्ड। और ये मैम, ये जो सर्वेक्षण कराते हैं, इसका क्या गाइड, मतलब किस तरीके से, क्या क्राइटेरिया होता है ये सर्वेक्षण में? बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, हर चीज़ को लिया, जैसे शौचालय है, पहली बार हमारी रैंकिंग का कारण ये, कम रैंकिंग का जो हमारी रैंकिंग बढ़ गई थी उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ शौचालय नहीं थे, और शौचालय बनने के बाद शौचालय साफ रहें, व्यवस्थित रहें, और लाइट की व्यवस्था कैसी है, सफाई की व्यवस्था कैसी है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और उसमें हर एक के उस पर नंबरिंग है, तो सारे नंबर काउंट करने के बाद अलग अलग टीम आती है, पार्कों को अलग देखने की टीम आती है, सफाई की व्यवस्था देखने के लिए अलग टीम आती है, शौचालय के लिए अलग टीम आती है, तो अलग अलग टीम्स आती हैं, और वो हम लोगों को बिना बताए वो आकर अपना सर्वेक्षण करके चली जाती हैं,
और फिर वो नंबर काउंट किए जाते हैं और उसके माध्यम से हम लोग को ये रैंकिंग प्राप्त होती है। तो इसमें हमने बहुत बड़ी छलांग लगाई है, ये भी हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि लखनऊ नगर निगम को 269 नंबर से हम सीधे 12वें नंबर पर आए हैं और यूपी में हमें फर्स्ट नंबर मिला है, तो इसके लिए हमारे लिए बड़े सौभाग्य की विषय है। अच्छा संयुक्ता जी, एक और चीज़ था, आपने एक मुहिम छेड़ी थी, आपने एक और चीज़ शुरू किया था गोरक्षा पे, जिसमें आपने इसमें गोरक्षा से जो आवारा जो पशु थे उनके रिगार्डिंग आपने कोई कोई शेल्टर में भी बनाया था, एंड देन फिर जो उनका जो वेस्ट है वेस्ट से भी कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह आपने बनवाए थे एंड देन उनको सेल करवाने के लिए, तो वो किस तरीके से आपने मैनेज किया था, मतलब उसके लिए कैसे कंट्रोलिंग की गई? ये हमारा काना ओपन है जो मेरे महापौर बनने से पहले एक छोटा सा काना ओपन था, आज वही काना ओपन बढ़कर बहुत बड़ा, बहुत बड़े स्थान में और बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, जिसकी शुरुआत हमारे पूर्व में दिनेश शर्मा जी जो मेयर हैं उन्होंने अपने समय में की थी, और ये हमारे इसकी प्रेरणा आदरणीय अपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, उनका कहना है कि गायों का संरक्षण होना चाहिए। तो जो हमारा वो काना ओपन छोटा सा था, उस काना ओपन को हमने बृहद रूप में इस समय कर दिया है और एकदम वो पिकनिक स्पॉट की तरह से है, वहाँ 10,000 गाय हमारी जो सड़कों पर घूमती रहती हैं, ये गाय सड़क पर घूमती हैं और इनका जो जब तक वो गाय दूध देती हैं तब तक तो लोग उनको संरक्षण देते हैं, लेकिन जो बैल हैं या दूध नहीं देने वाली हैं, बीमार हैं, ऐसी गायों को कोई सड़कों पर छोड़ दिया जाता है और वो गाय कूड़े के ढेर में बैठती हैं और फिर वो पॉलीथीन खा जाती हैं, कूड़ा खा जाती हैं। अगर वो दूध देने वाली गाय है और कूड़ा खाती है तो वो दूध जो हमें मिलता है फिर उस दूध को वो बेचते हैं या हमारे घर में पालते हैं तो हम पीते हैं, तो वो पॉल्यूटेड दूध हमें मिलता है, हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाता है। और दूसरी बात, शहर में गोबर करने से गंदगी भी होती है और कूड़े के ढेर में बैठी रहती हैं और अस्वस्थ भी रहती हैं, उनको उनको शरीर को भी नुकसान, क्योंकि पॉलीथीन खा जाती है तो उनके शरीर के अंदर वो जाकर पॉलीथीन उनके आंतों में चिपक जाता है, जिसका हम लोग ऑपरेशन कराते हैं और ऑपरेशन करने के बाद वो उसमें किलो के उसमें किलो किलो, दो दो किलो, तीन किलो, दस दस किलो तक निकलता है पॉलीथीन, जो उनके लिए शरीर के लिए इतना नुकसानदायक होता है, और उसको ऑपरेशन करके निकाला जाता है। वहाँ उसी कान्हा उपन में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम इन गायों को पकड़ कर ले जाते हैं, वहाँ पर इनको ठीक से इनको चारा मिलता है, जो सड़कों पर गंदगी खाती थी वो नहीं खाती हैं, और जो इनके जिनकी गायें दूध देती हैं या वो अपने घर में बेचते हैं दूध या अपने पीने के लिए उन्होंने गाय रखी है, तो उस गाय को वो छुड़ा कर ले जाते हैं, जुर्माना उसका भरते हैं, लोग छुड़ा कर ले जाते हैं, लेकिन जो गाय दूध नहीं देती है और जो गाय बीमार है या जो बैल है उसको बछड़े हैं उनको वो लेने नहीं आते हैं। तो ऐसे गांवों का संरक्षण देने का काम हमारा काना ओपन कर रहा है। उस काना ओपन में अब इतनी बड़ी संख्या में, ऐसा ही एक हमने और राधा ओपन बनाया है जरारा में, क्योंकि इधर से गायें पकड़ के हम काना ओपन ले जाते थे, क्योंकि काना ओपन हमारा कानपुर रोड पर है, सरोजनी नगर के आगे है, तो और वहाँ भी जगह भी कम पड़ रही थी, तो हमने एक और बनाया है, शेल्टर होम बनाया उनके लिए, और उसी तरह से धीरे धीरे हम उनको संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं, और बड़ी उनको बीमार होती हैं तो उनकी सेवा की जाती है, और उनको अगर उनका ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन भी कराया जाता है, और दिन उनके भोजन की व्यवस्था वहीं से की जाती है, और उसकी भोजन की व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने पहले तो हमने किसी को इसको किसी संस्था को दे रखा था, लेकिन वो इसको किसी उससे चलाते थे, फंड्स लेकर, लोगों से फंड्स लेकर चलाते थे, लेकिन जब से मैं आई हूँ हम लोगों ने इसको अपने संरक्षण में नगर निगम से ही हम उसको चला रहे हैं, और पूरी तरह से उनको जो भोजन पहले नहीं ठीक से मिल पाता था भोजन उनको ठीक से मिल रहा है, और इस समय वो पूरी रूप से संरक्षित है, और सड़कों पर जो घूमती हैं जिनके कारण एक्सीडेंट्स होते थे और वो खुद भी एक्सीडेंट में बीमार चोट खा जाती थी, वो धीरे धीरे करके अब कम हुआ है, और अभी भी बहुत सारी ऐसी डेयरियाँ हैं जिनको डेयरियाँ भी चल रही हैं यहाँ पर, जिनको स्वच्छता की दृष्टि से बाहर करने की बात है, तो उसको भी धीरे धीरे प्रयास करके शहर से बाहर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि शहर साफ भी रहे, सुंदर भी रहे और गौ का संरक्षण भी हो। आपने जैसे डेयरियाँ बाहर निकालने की बात की है, तकरीबन 612 के आसपास ऐसा है जो डेयरियाँ बाहर कर दी गई हैं,
मैम, जो डेयरियाँ बाहर की गई हैं उनके लिए क्या बाहर कोई व्यवस्था की गई है कि वो लोग कहाँ पर अपनी ये जो गाय भैंसे लेकर वो कहाँ जा सकते हैं? और क्योंकि एक वही उनका रोजी रोटी का साधन था, तो उनके लिए क्या चीज किया जा रहा है, क्या व्यवस्था? उनको एक स्थान आदरणीय टंडन जी जब यहाँ पर थे, उन्होंने इस मुहिम को चलाया था, गायों के संरक्षण की बात उन्होंने की थी, और मुझे लगता है कि कान्हा उपवन की शुरुआत वहीं से उन्होंने उनकी ही प्रेरणा से हुई थी, और मुख्यमंत्री जी की उससे संरक्षण प्राप्त हो रहा है उनका। लेकिन उस समय उनको एक ज़मीन दी गई थी उनको शहर से बाहर करने में, लेकिन धीरे धीरे करके वही ज़मीन बेचकर वो लोग फिर यहाँ पर आ गए। तो अब उनको एक उनके लिए स्थान चिन्हित करने की बात हो रही, उनकी मांग है कि हमें स्थान दे दिया जाए। कुछ लोग तो गाँव में लेकर चले गए हैं, लेकिन कुछ ने अभी हमें अपना एक मेमोरेंडम दिया है कि हमें स्थान दे दिया जाए ताकि हम उसको शहर के बाहर रख सकें, तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। मैम, एक आपने एक और एक इनिशिएटिव लिया था, ये जो हजरतगंज चौराहे को आपने एक अटल चौक नाम दिया। जी, तो उसके पीछे क्या आपका मोटिव था कि अटल चौक, एकदम से हजरतगंज चौराहे को अटल चौक देना, अचानक से आपने ऐसे नाम चेंज करा, तो उसके पीछे कोई क्या रीजन था? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, और यहाँ से वो एमपी का चुनाव लड़ते रहे, लखनऊ को वो अपना लखनऊ का अपने आप को मानते थे, क्योंकि उनकी कार्य यहीं से उन्होंने प्रारंभ किया था, और इसी कार्य क्षेत्र यही था उनका। और उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि लखनऊ जो है बहुत साफ़ सुथरा हो, सुंदर हो, और उसी उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों को, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उस कार्य को मैं पूरा कर सकूं। उनके ना रहने पर जैसे हम लोगों ने, हमारे सभी लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम से चौराहा होना चाहिए, अब वो नहीं है तो उनके नाम से चौराहा होना चाहिए। तो मेरे मन में आया कि इतनी बड़ी शख्सियत और एक छोटा सा चौराहा अगर हम उनके नाम से करते हैं तो ये उनकी शख्सियत के हिसाब से बहुत छोटा होगा, तो हमारे शहर का जो शहर का दिल कहलाता है हज़रतगंज, इस चौराहे को हम अगर करें तो जितना बड़ा नाम है, जितना बड़ा हमारे शहर का सबसे अच्छा चौराहा जो लखनऊ का दिल कहलाता है, इसको उनके नाम से किया जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन मैंने कोई नाम परिवर्तन नहीं किया, वो हज़रतगंज चौराहा कहलाता था, लेकिन हमारे बुक्स में कहीं भी हज़रतगंज चौराहा के नाम से नहीं देखता, तो इसलिए लोगों ने अपने आप से ही उसको हज़रतगंज चौराहा कहना शुरू कर दिया था, इसलिए क्योंकि वो हज़रतगंज मार्ग है वहाँ पर हज़रत बेगम हज़रत महल के नाम से, इसलिए लोगों ने उसको हज़रतगंज चौराहा कहना शुरू कर दिया था। और जब मैंने बुक्स में देखा कि उसमें वहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नाम का कोई वो नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने उसको किया, और इस समय वो हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से है। ये हमारे लिए बड़े, मुझे इससे सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे कि मुझे उन ऐसी बड़ी शख्सियत को एक नाम उनके नाम से एक चौराहे को करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसी के साथ साथ हमारा एक डिग्री कॉलेज है नगर निगम का, उसको भी हमने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से किया है, और उन्हीं के अनुरूप उस कॉलेज को हम उसी के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जितनी बड़ी वो शख्सियत है उन्हीं के हिसाब से वो स्कूल भी हो, बच्चे वहाँ से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी हमारे समाज का दर्शन है, और अगर वो वहाँ से अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगी तो एक ये उनके नाम के लिए भी बड़ी बात होगी। तो इस उद्देश्य से हमने उस चौराहे को किया था। अच्छा मैम, ये बताइए कि आगे फर्दर मतलब आप और क्या चीज़ करना चाहेंगी, इन फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है, कि जो चीज़ आपने मतलब अभी इस दौर में आपने सोचा था कि हम ऐसा चीज़ करेंगे, ऐसा कोई इनिशिएटिव लेंगे, तो आगे फर्दर कोई प्लानिंग है इन फ्यूचर के लिए, कि क्या प्लानिंग रहेगी आपकी जो आप करना चाहेंगे? अभी तो हमने, आपने दो चार दिन पहले की ही बात है, हमने एक पार्कों का, हमारे शहर में लखनऊ शहर पार्कों का शहर कहलाया जाता है, और इस शहर को सुंदर बनाने के लिए पार्कों, और लोग अक्सर लोगों के यहाँ एक या दो पार्क होते हैं, लेकिन हमारे लखनऊ में एक एक वार्ड में 70-70, 80-80 पार्क हैं, तो इतने सारे पार्क जहाँ पर हैं, और हमारे 110 वार्ड हैं, तो इतने सारे पार्क होने के कारण उसको ठीक से उसकी देखभाल नहीं होती थी, तो उसके लिए हमने इस बार 25 करोड़ का बजट हमने उसके लिए रखा है, और पूरी तरह से सारे पार्कों को हम उसको सुंदर बनाएं, उनका सौंदर्यीकरण करें, उसमें लोगों को वॉकिंग पाथ हो, बाउंड्री वॉल हो, घास हो, पौधे हो, और विशेष रूप से इस समय हमारे यहाँ कोरोना में ऑक्सीजन की कमी रही है,
और ऑक्सीजन वाले प्लांट जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे प्लांट्स अब हमारे यहाँ नहीं लगाए जाते हैं। एक ऐसा पार्क बने जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता हो, वहाँ पर लोग वॉक करने जाएं, उनको नेचुरल ऑक्सीजन मिले, और अन्य जगह पर भी हर्बल पौधे लगे और इस तरह की व्यवस्थाएँ हों, उसके लिए मैंने प्रयास किया है। और बहुत सारे पार्क हमारे ठीक हो चुके हैं और आगे आने वाले समय में सारे पार्क, जितने भी पार्क हैं, छोटे बड़े पार्क, सभी पार्कों को व्यवस्थित करने का, उसको सौंदर्यीकरण करने का कार्य हम कर रहे हैं। कम्युनिटी किचन हमारा चल ही रहा है। और अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में अंतिम संस्कार जब की व्यवस्था जब करने को एकदम से अचानक आवश्यकता पड़ी, अंतिम संस्कार हमारे कई घाटों पर होता है, विशेष रूप से भैंसा कुंड में बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर लोग आते जाते हैं, और गुलाला घाट में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, अन्य जगहों पर थोड़ा थोड़ा सा वहाँ के लोकल लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि राजधानी होने के कारण जब थर्ड स्टेज पे आदमी पहुँच जाता है, कहीं कोई बीमारी होती है उसको, और लोग उनको रेफ़र कर देते हैं। लखनऊ में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वेदांता है, PGI है, मेडिकल कॉलेज है, और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से एक हॉस्पिटल खोला गया है, तो इतने लोग वहाँ से यहाँ रेफ़र कर देते हैं। और जब ये वो यहाँ पर आते हैं, तो क्योंकि वो थर्ड स्टेज में आते हैं, तो बहुत कम लोग बच पाते हैं, नहीं बच पाते। लेकिन कोरोना काल में ऐसा हुआ कि उनको बॉडी को बाहर नहीं ले जाने दिया गया, उनको अंत्येष्टि यहीं करनी थी, और कोरोना काल में इस व्यवस्थाओं को पूर्ति करने के लिए एक दिन समाचार पत्र में निकला कि वहाँ लाइन लग गई, लोगों को अंत्येष्टि करने में बहुत दिक्कत हुई। और मैंने उस समय तुरंत अपने नगर आयुक्त को फ़ोन किया, कोई फाइल पर साइन नहीं किया गया, कुछ नहीं, तुरंत मौखिक आदेश पर तुरंत उन्होंने, हमारे नगर आयुक्त ने उसको 80 जगह पर ऐसी व्यवस्था की कि जहाँ पर हम उसको कर सकें। और इसको करने के लिए उन्होंने तुरंत निर्णय लिया और स्वयं अपनी तरफ से लकड़ी देने का, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, लोग किस पोजिशन में हैं, और नगर निगम ने अपनी तरफ से लकड़ियों की व्यवस्था की और अंत्येष्टि का कार्य किया। इसी को देखते हुए इस व्यवस्था, क्योंकि वो समय त्वरित आवश्यकता पर त्वरित काम करना, ये एक बहुत बड़ी बात है कि समस्या आई और उसका तुरंत निस्तारण कैसे किया जाए, इस पर कार्य करने के लिए वो सक्षम, हमारे नगर आयुक्त तो सक्षम रहे। उन्होंने, उनको मैंने जैसा कहा, उन्होंने तुरंत उसकी व्यवस्थाएँ कराई, 300 आदमी वहाँ पर लगा दिए। उसके बाद हमने ये क्या सोचा है कि अभी पॉल्यूशन रहित हमको अपना शहर बनाना है, तो जो अंत्येष्टि स्थल है, ये लकड़ियाँ जब जलाई जाती हैं तो उसका धुआं उड़कर हमारे शहर में ही फैलता है, तो ये हमें कहीं ना कहीं हमारे ऑक्सीजन को प्रभावित करता है, हमारे पॉल्यूट करता है हमारे शहर को। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक की दो मशीनें पहले लगाई गई थी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी अंत्येष्टि को अपने हिसाब से, जो क्रियाकर्म पुराने रीति रिवाज के हिसाब से करना चाहते हैं, लकड़ी से ही करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने 3 अभी मशीनें और लगाई हैं। ये मशीनें अभी हरित शवदाग्रह जिसको बोलते हैं, ये अभी बंगाल में और गुजरात में, जहाँ मुझे डेमोंस्ट्रेशन देखने को मिला और मैंने उसके लिए तुरंत निर्णय किया कि ये मैं अपने यहाँ लगवाऊंगी, तो आज 3 मशीनें हमारी लग चुकी हैं। आने वाले समय में और मशीनें, और धीरे धीरे करके अगर ये सक्सेसफुल होती हैं, क्योंकि होंगी सक्सेसफुल, क्योंकि इसमें लकड़ी भी कम खर्च होती है और पॉल्यूशन भी नहीं होता है, तो इसको हम आने वाले समय में सारे घाटों पर, जितने लखनऊ के घाट हैं, सब पर हम इसको लगाएंगे, ताकि लोगों को सुविधा भी प्रदान हो, प्राप्त हो, और धीरे धीरे उनको हमारे यहाँ पॉल्यूशन भी ना हो। दूसरी बात, जनता की हमसे क्या अपेक्षा है, नगर निगम से जनता को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, जैसे साफ सफाई है, और उनकी समस्या छोटी छोटी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निस्तारण तुरंत हो जाए। इसके लिए मैं पहले, जब से मैं महापौर बनी हूँ, मैंने मेरे 8 जोन हैं, 8 जोनों में शहर बटा हुआ है, इन शहर को 8 जोनों में बांटा गया ताकि वो व्यवस्थाएं ठीक से हो सकें। मैं 8 जोनों में स्वयं जाकर बैठती हूँ और वहाँ पर मैंने पब्लिक को, वहाँ से डायरेक्ट मैं खुद मिलती हूँ, और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, जैसे उनका नाम ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, हाउस टैक्स जमा करना चाहते हैं जमा नहीं हो पा रहा, कुछ उसमें दिक्कतें हैं, और नाली की सफाई नहीं हो रही, नाली छोटी सी टूट गई है, सीवर लाइन बह रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है, या सड़क पर लाइट नहीं है, ये छोटी छोटी समस्याएं ऐसी हैं जिसका निस्तारण तुरंत होना चाहिए,
लेकिन वो इसलिए नहीं हो पाता था कि जनता की पहुंच सीधे नहीं थी, वो उसको ये नहीं मालूम था कि मुझे शिकायत कहाँ करनी है, और शिकायत होने पर भी अधिकारियों को काम करना करने की आज नहीं कल हो जाएगा, तो इस तरह की आदत के कारण वो कार्य नहीं होता था। और इस कार्य को करने के लिए मैं स्वयं बैठती हूँ, जब से मैं महापौर बनी हूँ मैं वहाँ बैठती हूँ। 8 जोन हैं तो महीने में 4 मंगल होते हैं, उसको मैंने मंगल दिवस का नाम दिया है। एक तो इसलिए कि मंगल का दिन है, मंगल को बैठती हूँ, दूसरा लोगों के मंगल के लिए ये इस कार्य को किया गया इसलिए मंगल दिवस का नाम उसे दिया। और मैं हर मंगल को 2 जोनों में, क्योंकि 8 जोन हैं और महीने में 4 मंगल होते हैं, तो हर मंगल को, पहले मंगल को 1 और 2 जोन में, दूसरे मंगल को 3 और 4 में, फिर 5 और 6 में, और 7 और 8 में, ऐसे ये रेगुलर हमारा चल रहा है। इधर लॉकडाउन के कारण इधर नहीं चल रहा, और वो कार्य मैंने फ़ोन पर करना शुरू कर दिया है। तो ये समझ, और आने वाले समय में अभी हमने 800 करोड़ के विकास कार्य कराए हैं हमारे अब तक के, और 200 करोड़ के कार्य हमारे प्रस्तावित हैं। सड़कें बन जाएं, कूड़ा सड़कों से उठ जाए, लखनऊ शहर सुंदर, साफ सुंदर, सुरक्षित, जैसा मैंने पहले कहा कि मैंने कहा था कि मैं महापौर हूँ और वहाँ पहली महापौर महिला हूँ, तो महिला होने के नाते से सजाकर संवार कर सुसज्जित करके, जैसे महिलाएं अपने घर को रखती हैं, इसको सजाकर संवार कर रखूँगी और राजधानी की तरह राजधानी नज़र आए लखनऊ, और लखनऊ सुंदर दिखाई दे, पर्यावरण मुक्त हो, सुरक्षित हो, महिलाएं सुरक्षित हों, लाइट की व्यवस्था सही हो, सफाई की व्यवस्था सही हो, जल की व्यवस्था सही हो। अभी आपसे बताना चाहूँगी कि इस समय हम लोगों को, इस समय हमारा वो कार्य चल रहा है जो नदी, गोमती नदी में जलकुंभी आ जाती है, तो उसका भी हमने अभियान चला रखा है। इस समय जलकुंभी की सफाई हो रही है, नदी हमारी सुरक्षित हो, इन सारी व्यवस्थाओं में बहुत कुछ परिवर्तन आया है, लेकिन बहुत कुछ हमने किया है इसमें करने के लिए, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो जो बहुत कुछ करना बाकी है उसमें मैं पूरी तरह से संघर्षशील हूँ, मैं हमेशा लगी रहूँगी, और इस कार्य को जब तक मैं इस पद पर हूँ इस कार्य को पूरी तरह से करूँगी, क्योंकि मुझे नगर ने माँ माँ के रूप में माना है, मेरे सारे पार्षद और मुझे कार्यकर्ता और यहाँ के जितने नागरिक हैं वो मुझे माता जी कहकर बुलाते हैं, तो मुझे जब उन्होंने माँ का दर्जा दिया है तो मैं माँ के समान उनके हर बच्चे को क्या आवश्यकता है, जैसे कि माँ के मन में होता है कि मेरा कोई बच्चा दुखी ना हो सुखी रहे, इस प्रकार के मेरे ममत्व का भाव लेकर मैं इस कार्य को करूँगी। और जब तक मैं महापौर का पद है तब तक सारी व्यवस्थाओं को ठीक करना, हमारे जो नगर निगम में, एक बात और बताना चाहूँगी, नगर निगम में हमारे संसाधन बहुत कम थे इसलिए नगर निगम में काम भी नहीं हो पाते थे। आज हमारे पास 600 गाड़ियाँ हमने पहले खरीदी हैं, 600 गाड़ियाँ खरीदने का तात्पर्य है कि नगर निगम में फंड्स ना होने पर, 350 करोड़ की लाइबिलिटी होने पर, उसके बाद ठेले ठेलियाँ, और अभी हमने कल ही 12 गाड़ियों का उद्घाटन किया, जो 110 गाड़ियाँ हमारे आने वाली हैं सैनिटाइजेशन के लिए, पूरे शहर में पूरी तरह से सैनिटाइजेशन हो, ये हमने व्यवस्था की है। और इस व्यवस्था में हमारे बहुत बड़ी गाड़ियाँ तो सड़कों पर दौड़ रही हैं, और छोटे गलियों में जाने के लिए हाथ वाली मशीनें हमने पार्षदों को, 110 पार्षद हैं उनको दे दी थी कि आप अपने अपने क्षेत्र में कराएं, लेकिन पार्षदों की ये डिमांड थी कि जिनके घर में कोरोना नहीं वो भी चाहते हैं हमारे यहाँ हो जाए ताकि हम भी सुरक्षित रहें, तो हमारे मशीनें छोटी मशीनों से उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, तो मैंने हर पार्षद को, 110 पार्षदों को वार्ड विकास निधि से उनको एक एक गाड़ी खरीदने की बात की है, जिसमें से 12 गाड़ियाँ परसों मैंने उद्घाटन किया है, 3 गाड़ियाँ आज किया है, और आने वाले समय में धीरे धीरे हम इसको बहुत जल्दी 110 वार्डों में पूरा करेंगे ताकि सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो सके। सैनिटाइजेशन पूरी तरह से हमारे यहाँ इस समय चल रहा है, और आने वाले समय में कोई स्थान ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पर सैनिटाइजेशन नहीं होगा, जो कि वक्त की इस समय बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो ये सब काम तो हमारे चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में और अच्छा से लखनऊ बने, सुंदर बने, स्वच्छ बने, सुरक्षित बने, ये मेरी बहुत बड़ी इच्छा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सपनों को हम साकार कर सकें, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी एक सपना था लखनऊ को सुंदर बनाने का, मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, मुख्यमंत्री जी के सक्रियता से ये सारे पूर्ण, हम सबको सहयोग मिलता है, सारे मंत्रियों का सहयोग, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे सारे मंत्रियों का भी सहयोग मिलता है और मुख्यमंत्री जी का भी, तो इसलिए इन कार्यों को पूरा करने में, उनके सहयोग से मैं इस कार्य को पूरा करने में सक्षम बन सकूँ। इस ये आने वाले समय में लखनऊ को एक राजधानी के रूप में, जो राजधानी में होना चाहिए, वो सारी सुविधाएँ प्राप्त हो, जनता को सारी सुविधाएँ प्राप्त हो, इसके लिए प्रयत्नशील हूँ और रहती रहूँगी।
थैंक यू सो मच मैम। आज हमने लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी से बात की, जिन्होंने काफी अपनी दिलचस्प बातें हमारे साथ की। फिर हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ में, तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी।